डॉक्टर बिस्मा बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, प्लास्टिक सर्जरी में फेलोशिप कर रही हैं, बहुत खूबसूरत बोलती हैं और ब्रॉडकास्टिंग में और काउंसलिंग में भी बड़ी खास दिलचस्पी रखती हैं। गो के मेडिकल का बैकग्राउंड और दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट होना हायर एजुकेशन के लिए अच्छा जी, बहुत हायर के लिए। तो बिस्मा, इससे पहले कि हाय हाय हो जाए, ये बताएं कि ये जो आपका फील्ड है प्लास्टिक सर्जरी, इसके ज़रिए तो बिगड़ी हुई बात बन जाती है काफ़ी हद तक, है ना, चेहरा जुरस जो कम्प्लेक्स में लोग पड़े रहते हैं उनका कम्प्लेक्स तो दूर कर देते हैं, सुपीरियरिटी में चेंज कर देते हैं हम कम्प्लेक्स को। विशाल ये कह रही थी कि ये सवाल खुद आपकी अपनी शख्सियत के मुताबिक किया जाए, वो उससे क्या मुराद थी आपकी? बहुत वास्ट सवाल आने वाला है, मैं क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा थे जहन में आ रहे थे कि कभी ऐसा हुआ है कि बहुत कोई ऐसी सेलिब्रिटी आई हो और आपने उसको कहा हो कि आप तो बहुत ही कुछ ख़राब काम करवा के आ गई हैं तो इसको सही हम कर देते हैं, तो आपने सही कर दिया हो? एक्चुअली ये टैक्टिक्स होते हैं कुछ लोगों के कि दे ऑलवेज से कि ख़राब करा के, फिर मैं सोचती हूँ कि यार बेचारा खुद बड़ा परेशान है, अब ऑलरेडी फिर परेशान बंदे को अब डॉक्टर भी कह दे कितना बुरा लग रहा है, मैंने कभी नहीं बोला। कभी ऐसे किसी सेलिब्रिटी को देख के लगाओ कि ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए मेरे पास आ जाए किसी तरह, नहीं, इस सवाल का एक और भी पहलू है, इस सवाल का ये है कि क्या किसी सेलिब्रिटी जिनको हम टीवी पे देखते हैं उसमें से किसी की असल शक्ल आप बता सकती हैं कि पहले वो कैसे थे? I can't comment. I will love to reserve my comment. Seriously. नहीं, ये लगता हो आपको कि नहीं मेरे पास ये आ जाए ना, बहुत क्रेविंग आपको हो रही हो? Yeah, actually when I see some like some celebrities on the TV, I'm like यार, बिकॉज हम लोग की वो एस्थेटिक सेंस होती है, हम लोग को पता होता है कि ये इतनी होना चाहिए, ये इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्जी होते हैं ना वो कहते हैं तो कटिंग नहीं आती, फिर मैं आई एम लाइक दिस, हर एक अपने प्रोफेशन के मुताबिक ही बंदे में वो चीज देख रहा होता है। कुछ है बॉलीवुड की भी सेलिब्रिटीज, उनका मुझे देख के लग रहा था कि नहीं यार ये इसको ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिकॉज हमारी वो एस्थेटिक सेंस होती है, इवन कि कोई भी हमारे पास से भी गुजर रही हो ना औरत या बंदा, तो वो एस्थेटिक के लिहाज से कुछ पूछे हमारे पास खड़ा हो के तो, या हमारे क्लिनिक पे आके, तो वी आर लाइक यू नो कि आपको ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, फिर हम ना जब वो ज़्यादा वो पैनिक कर जाता है ना कि हम ये भी कर दो वो भी कर दो, फिर हम उसको ना पैसिफाई भी करते हैं कि इतनी ज़्यादा भी नहीं। अच्छा बिस्मा, मुझे ये बताएं, वैसे अंदर की बात बताइए, आप भी और तस्नियाँ भी बैठी हैं, असल बात सिर्फ ये नहीं है कि औरत को एक तसल्ली चाहिए, यानी आप उसे कुछ भी कह के मुतमइन कर दें? एक्चुअली औरत जो है ना उसकी तसल्ली उसके ना खावन से या जो जिसके लिए वो कराना चाह रही है ना ज्यादा उसी से मिल सकती है, तो मुझे लगता है मैं चाहती हूँ काउंसलिंग में उसको भी साथ बिठाऊं। अच्छा, बताओ अच्छा। कि आप बताएं आपको क्या बुरा लग रहा है, सही क्या सही। है बुरा जो लग रहा है हाँ, नहीं ये तो नहीं पूछती होंगी, जिसे हम सही करें क्या बुरा, नहीं लेकिन ये तो नहीं पूछती होंगी ना कि क्या बुरा लगे, क्या कहाँ बेहतर होना चाहिए, नहीं वो डायरेक्टली आके बोलते हैं, बुरा भी कह देते हैं, कह देते हैं कि वो डॉक्टर साहब वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, तो जो मुझे लगता है ना कि गलत है, वाकई गलत है, तो मैं कहती हूँ आपके साथ कौन आया है, आए आपके हस्बैंड, तो वो कहती है हाँ आए, तो मैंने उनको बुलाया अंदर, फिर मैं स्पेशली उनको बिठा के बिठा ही वो मुकर जाते, नहीं नहीं बहुत प्यारी लगती है हमें, तो फिर मैंने बहुत से, क्योंकि मैं ओवर डू कभी नहीं करती, मैं ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं करती जो मुझे अपने दिल को लगे कि यार इसको नहीं करना चाहिए, तो अल्लाह को जान देनी है इंसानों को, फिर क्या कोई जगह अल्लाह को जान देनी है और खाल, क्योंकि ईद कुर्बान पर खाल का अच्छा तस्तिया, आप कभी ऐसा लगा कि इमरान खान साहब आए और आप उनका कुछ कुछ बेहतर करें, या वैसे अभी आपने नाम जो शौकत खानम कर लिया बस मैंने कहा कि अब खाल शौकत खानम के लिए है और वैसे वो आप बताएं कि आपको लगता है कि उनमें कुछ चेंज होना चाहिए, और मेंटेन अपने आप को बहुत रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास आएंगे हम ज्यादा मेंटेन कर देंगे, ज्यादा और खूबसूरत कर देंगे आप उनको, ताकि और डिमांड उनकी बढ़ जाए, उनकी ऑलरेडी बहुत डिमांड है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ज्यादा ही ना बढ़ जाए। सही तस्निया, आप बताइए कि आपके ख्याल में ये जो आपका फील्ड है जिसमें कि आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, तो आप भी कभी यानी कि उनकी मर्जी को फॉलो कर रही होती हैं, या लोग जब आपका मशवरा नहीं मानते, कई दफा लोग आपकी बात को वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं, तो मुझे ऐसा तो, बना दे प्लीज, मैं क्योंकि दुल्हन बनना, क्योंकि खूबसूरती का कोई मयार या कोई डेफिनेशन तो है नहीं, उनकी डेफिनेशन और आपकी डेफिनेशन और, तो फिर आप किसको फॉलो कर, फिर आप अपनी प्रोफेशनल जो आपकी रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करती हैं या उन्हीं की बात को मानती हैं? नहीं बिल्कुल, काफी हद तक क्लाइंट की, क्योंकि ब्राइडल का हमारा ये इस्लाम में हमारा रूल है, ये हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं कि उनका दिन है, उनका दिन है जैसे वो चाहे, जैसे वो चाहे उनका बिग दिन है, अब काफी सलॉन्स में अपनी मर्जियां कर देते हैं, लेकिन साथ साथ ये भूतना भी नहीं अच्छे तरीके से जो उस पे सूट भी करे, उनकी मर्जी को भी शामिल रखना है, लेकिन हम प्रोफेशनल बताना भी हमने साथ साथ रखना है, क्योंकि
वो इस फील्ड में नहीं है, हम लोग हैं, हमें पता है क्या ठीक है क्या गलत है, हमने उनको गाइड भी करना है. तो उसको जहन में रखते हुए, अपने प्रोफेशनलिज्म को जहन में रखते हुए, उनकी पसंद का ख्याल करते हुए हमें इस पूरे दायरे के अंदर चलना पड़ता है. आप कटिंग भी है? जी जी, मैं हेयर मास्टर. तो उसमें बहुत सारी कस्टमर का ये गिला होता है ना, हमारी लेंथ कम ना हो, कटिंग भी करानी है. और हाँ जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ का मुझे अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला है. क्या? या मेरे पास कटिंग कराने जो भी आते हैं, बहुत सेटिस्फाइड क्लाइंट गया है. लेंथ छोटी नहीं होती पर बाल कट जाते हैं. Wow. और आईब्रोज पतली नहीं होती, आईब्रोज हो जाती हैं. इस चीज का जो है ना, मुझे अवार्ड मिले हैं. शिकागो में मैंने अवार्ड जीता हुआ है, फ्लोरिडा में अवार्ड जीता हुआ है कि हेयर कट करना है, लेंथ छोटी नहीं हुई. इंचेस के हिसाब से हम पहले से डिस्कशन कर लेते हैं क्लाइंट से, आपने कितने इंचेस ऑफ करने हैं, 1 इंच 2 इंच. 1 इंच से अगर ज्यादा हेयर कट कट जाए ना, तो आप हो ही नहीं सकता. अच्छा, ऐसा है कि जैसे आप अमेरिका से आई हैं, तो आपका तो मेकअप भी बहुत आप कॉन्शियस होंगी. जी जी, तो मेकअप का मेरा ये है कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है मेकअप की चीज़ों को लेके. और कॉन्शियस मैं इस चीज़ में सफाई में भी बहुत कॉन्शियस हूँ, यानी हाइजीन का ख्याल रखना. हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. और माशाल्लाह मैं बड़ी प्राउडली अनाउंस करूँगी कि 3 दिन पहले मेरा जो सलान है वो रजिस्टर हुआ है हाइजीनिक का. अच्छा. डॉक्टर्स खुद आए थे विजिट करने मेरे सलान को. अच्छा. और उन्होंने माशाल्लाह बहुत पसंद किया. कहते हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जगहों पे, I'm not talking about high class, but काफी ज़्यादा सलॉन्स हैं जिनको स्टरलाइज का मतलब ही नहीं पता. अच्छा, ये जो मटेरियल आप इस्तेमाल करती हैं, मेडिक्योर पेडिक्योर के लिए, मेडिक्योर पेडिक्योर आईब्रोज ट्यूज, छोटी से छोटी चीज जो है हमारी सलॉन में ईच एंड एवरी क्लाइंट के पास स्टरलाइज होती है. Doesn't matter हम कितने भी. अच्छा, ये आपकी लोकल परचेज है या कोई इम्पोर्टेड? सब मैं खुद अमेरिका से. जब विजन लाई थी तो सामान लाई थी, लाए थे साथ साथ सामान भी लेके आए थे. तो वो चलता जा रहा है अभी तक? हाँ जी, मेरा आना जाना लगा रहता है. आपका तो आना जाना? मेरा आना जाना लगा रहता है. मेरे हस्बैंड के पास वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, वो सेंड करते रहते हैं मुझे. जैसे कोई चीज़ की शॉर्टेज होती है, बस मुझे आ जाती है. लेकिन इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि लोकल चीज़ कोई नहीं है, गंदी चीज़ कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह. और हम क्लाइंट की डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि वो जो मांग रहा है हम उसको वही दें, लेकिन बेटर वे में, अच्छे तरीके से गाइड करके.